सो हेलो फ्रेंड्स यार, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अमेजोन वॉलेट के पैसे को आप सीधे अपने बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। सारा कुछ वीडियो डिटेल्स मैं दूंगा इस वीडियो में। अगर वॉलेट से बैंक ट्रांसफ़र नहीं जाता यार, तो आप कितना आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर गालियाँ दे सकते हो। आप मुझे जितना गालियाँ देना चाहते हो। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, ठीक है। वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले आप दिखाना चाहूँगा मेरे अमेजोन बैलेंस में अभी मेरा 5 रुपया है। अब इस 5 रुपये को मैं बैंक ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, एकदम लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। पेमेंट देगा ही देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, तो अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र को, और उसमें जाकर लिखना है सेफ गोल्ड। सेफ गोल्ड सिर्फ सर्च करना है, और यहाँ पर सेकेंड में ही एक ऑप्शन आएगा सेफ गोल्ड करके, फर्स्ट में ही यहाँ पर देख सकते हो। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लॉगिन वो करते हैं जिनका अकाउंट बना हुआ होता है। तो आपको साइन अप करना है, इन 3 डॉट्स में क्लिक करके यहाँ पर साइन अप कर लेना है, ठीक है। सॉरी, एक बार कट हो चुका है, तो फिर से एक बार क्लिक करके और यहाँ पर 3 डॉट्स में क्लिक करना है। लेफ्ट साइड वाले में देख सकते हो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स में क्लिक करना है आप लोगों को और यहाँ साइन अप कर लेना है। साइन अप कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डाल देना है, ठीक है। नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मेरा नाम है अजय कुमार, ठीक है। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, 10 डिजिट जो भी पेटीएम नंबर है वो डाल देना है, या फिर अपना मोबाइल नंबर जो भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वो डालना है। उसके बाद सीधे से साइन अप वेरीफाई ओटीपी करना है, और यहाँ पर अपना ओटीपी दे देना है, और ओटीपी डालने के बाद सीधे वेरीफाई ओटीपी कर देना। और यहाँ पर आप लोग का जो ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है, आपका अकाउंट यहाँ पर सिंपली सा बन चुका है, एकदम सिंपल सा। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में जाना है, यहाँ पर एक आदमी जैसा आपको दिख रहा होगा वो अकाउंट का ऑप्शन होता है, तो इसमें क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अकाउंट डिलीट कर देता हूँ, और अकाउंट कैसे जोड़ना है वो भी बता देता हूँ। तो इसमें जब आओगे, आदमी जैसे वाले आइकन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर ऐड अकाउंट करने आएगा, माय बैंक अकाउंट ऐड करो, मतलब अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम आएगा, तो कस्टमर नेम यानी आपका नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है, नाम डालना है। तो उसके बाद आ जाता है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक का नंबर भी दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अगर जिसमें भी आपको पैसा लेना है, ठीक है, जिससे भी पैसा यहाँ पर लेना है आप लोगों को। तो यहाँ पर सिंपल से मैं यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का यहाँ पर ढूंढ लेना है आप लोगों को, और यहाँ पर डाल देना। अगर SBI में ट्रांसफ़र करना है, किसी में भी ट्रांसफ़र करना है, तो आप सीधे से वहाँ से डाल दीजिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद IFSC कोड डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ जो है मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले अमेजोन पे बैलेंस के पैसे को यहाँ पर लाना है। तो वो कैसे करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बाय वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, नीचे बाय का ऑप्शन में होता है उसमें जाना है, और यहाँ पर सिंपली सा 5 रुपया मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे अमेजोन पे बैलेंस में अभी 5 रुपया। अगर आपको 10,000 रुपये, जैसे 10,000 रुपये अगर आपके अमेजोन पे बैलेंस में रहता, तो यहाँ 10,000 सिंपली सा टाइप कीजिए और प्रोसीड टू पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू पे क्लिक करना है आप लोगों को। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर प्रोसीड करने आएगा, और जिसमें इसमें 3% जो GST काटता है, यानी 0.15 मुझे इसमें ये काट लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अमेजोन पे में क्लिक कर दो, और अमेजोन पे का जितना ही पैसा है इसमें आएगा, और यहाँ से आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सारा एकदम ट्रिक बाय ट्रिक आप लोगों को यहाँ पर देखना है, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर नीचे में पे ₹5 जो है कर दो, यानी कि यहाँ पर अपना 10,000 जो 20,000 जितना भी करना है यहाँ पर पे कर दो, ठीक है। पे करने से यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड अमेजोन का वो दोनों डालना होगा, तो ये सिंपली से डाल दो, मोबाइल नंबर और अमेजोन का पासवर्ड डाल दो, ठीक है, फटाफट डाल दो यहाँ पर। और डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा फिर से एक ऑप्शन, तो उसमें यहाँ पर नीचे आप लोगों को पे नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ, ठीक है, पे नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले नीचे देख लो, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, इसमें कट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ जैसे ही करोगे आपका जो जितना भी पेमेंट है अमेजोन पे में पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, अब ये जो ट्रांसफ़र है हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर देखो गोल्ड बाउट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका जितना भी है ना पेमेंट वहाँ का सारा यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो यार, एकदम एकदम प्रूफ, एकदम लाइव प्रूफ दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, सेल के ऑप्शन पे जाना है। सेल में मतलब आप अपने पैसे को बैंक ट्रांसफर आप कर रहे हो, ठीक है, तो अब सेल में जाना है, और सेल में जाकर यहां पर अपना जो भी अमाउंट है यार अमाउंट डाल दो यहां पर,
अगर आपने 10,000 वहाँ से निकाला था तो इसका 3% GST यानी कि 9,900 या फिर कुछ भी वहाँ पर डाल दो, 9,000 डाल दो, यहाँ पर पड़े रहने दो, बाकी पैसे को 9,000 डाल दो या फिर 9,500 डाल के यहाँ पर, यार सिंपल से यहाँ पर कर लो। मैं यहाँ पर 4 रुपये डालता हूँ, 5 रुपये ऐड किया था, 4 रुपये यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर प्रोसीड टू सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जितना भी अमाउंट है ना यार बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर एक दिन का वेट करना है, 24 घंटे आवर का यहाँ पर टाइम लेगा ये। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पर प्रोसीड कर देना है, जितना भी पेमेंट है प्रोसीड कर देना है, आपका जो भी है बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और पैसे जाने पर यार 2 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन का यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 2 वर्किंग डेज में यहाँ पर पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को।